तो वेलकम गाइस, और एक नए वीडियो में आज का जो वीडियो है वो वेस्ट बंगाल के अंदर मालदा बीएसएफ कैंप में जो बीएसएफ ट्रेड्समैन की फिजिकल हो रहा है, तो फिजिकल कहाँ हो रहा है, कौन सी ग्राउंड में हो रहा है, या रोड पर हो रहा है, या कितना चक्कर लगाना है, कौन सी मतलब रोड कैसा है, तो सब कुछ बताएंगे इस वीडियो में। तो वीडियो में आपको रैली के फुल डिटेल्स, जितने भी मतलब रोड के लिए जितने भी आपका क्वेरीज है, सब कुछ आपको मिल जाएगा इस वीडियो में। तो वीडियो को एकदम एंड तक देखिए और ध्यान से देखिए। इस वीडियो में मैंने गूगल मैप का भी सहारा लिया है थोड़ा सा, और मैंने एक मैप घर पे भी तैयार किया हो। दोनों मैप के जरिए मैं आपको एकदम दिखा दूंगी कि क्या करना है अंदर और क्या नहीं, और मतलब कहाँ रनिंग करना है, सब कुछ बताएंगे। तो वीडियो एकदम आप एंड तक देखिए। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। बताया था आपको, फिर से मैं जैसे मैंने आपको बताया था कि मैं मैप से भी आपको वो जो है रनिंग का ग्राउंड कैंप के अंदर क्या होगा सब कुछ मैं बताऊंगा। तो आज की वीडियो वही तो मैंने फिर से बताया आपको। तो चलो मैप पे जाते हैं। तो मैप मैंने ओपन कर लिया है, ये मैंने मैप तैयार किया है आप लोगों के लिए। तो देखो मैप में क्या है भाई, ये है पूरा, देखो बीएसएफ ट्रेड्समैन फिजिकल ग्राउंड मैप मालदा फरक्का बीएसएफ कैंप 2023-24। तो यही भाई पूरा ग्राउंड जो है इसमें ही हो रहा है, देखो सब कुछ यहाँ पर है। गूगल मैप से भी आपको दिखाऊंगी सब कुछ, एकदम पूरा क्लियर दिखाऊंगी। तो अब मैं आपको पहले समझ लो, उसके बाद मैं गूगल मैप से भी आपको सब कुछ दिखाऊंगा। तो देखो क्या है, ये हाईवे, ये पूरा हाईवे, ए वी हाईवे, दो हाईवे हो गए। यहाँ एंट्री गेट, एंट्री गेट यहाँ पर एंट्री गेट हो गया, या दूसरा एंट्री गेट मैंने बनाया नहीं है, आपको कंफ्यूज होगा उसलिए। यहाँ दूसरा एंट्री गेट, तो यहाँ पहला एंट्री गेट। तो एंट्री गेट में क्या होगा, आपको लाइन में लगना है। इस साइड एक लाइन होगा, इस साइड एक लाइन होगा, दो साइड लाइन हो गया। लाइन होने के बाद आपको जो है सारा बैग यहाँ जो है सर्च करने के बाद आपको एंट्री करा दिया जाएगा। एंट्री यहाँ से हो जाओगे आप, सीधा एंट्री होने के बाद यहाँ पर आप जाओगे, ये बास्केट ग्राउंड है इधर, इस साइड एक बास्केट ग्राउंड है, हो गया। बास्केट ग्राउंड पर आपका हाइट वेट चेस्ट जितना भी है सब कुछ नापने के बाद आपको रिक्रूटमेंट रूम पर ले जाया जाएगा। यहाँ आपका जितना भी अंदर का प्रोसेस है वो करा के यहाँ पर एक 80 का बैच बना के यहाँ बैठा दिया जाएगा। हो गया आपका बिठाने के बाद, यहाँ बिठा दिया जाएगा। और मतलब जो भी है बैच, यहाँ पर आपको रनिंग स्टार्ट आरएस, आरएस यानी क्या, रनिंग स्टार्टिंग पॉइंट। तो यहाँ से आपका रनिंग स्टार्ट हो रहा है, देखो भाई रनिंग यहाँ से स्टार्ट हो रहा है। और यह आरई यानी रनिंग एंड, रनिंग एंड पॉइंट। ये भी एक रोड है, हाँ ये वाला एक रोड है, लेकिन इस पे आपका कोई काम नहीं है, इस रोड पर आपको कुछ काम नहीं है। यहाँ बड़ा सा ग्राउंड है, प्ले ग्राउंड, बड़ा सा प्ले ग्राउंड है, रिक्रूटमेंट रूम है, या रेस एंड, बस जो है यहीं पर आपका काम का चीज़ है, बाहर कुछ आपके काम की चीज़ की नहीं है, जो है यहीं पर। यहाँ आपका रनिंग एंड है, मतलब जितने भी कैंडिडेट होगा सब यहीं पर आकर रनिंग ख़त्म करेगा। और रेस फिट वाले को यहाँ बैठाया जाएगा, अनफिट वाले को यहाँ बिठाया जाएगा। तब बता देते हो क्या होगा, आपका रनिंग स्टार्ट हो गया। यहाँ से आपको जाना है सीधा, सीधा जाकर यहाँ से आपको मतलब जो भी है आपका लेफ्ट लेनी है, यहाँ से आपको लेफ्ट लेनी है। लेफ्ट लेने के बाद आपको फिर से सीधा जाना है, ऐसे सीधा जाना है, फिर यहाँ से आपको आपका लेफ्ट लेना है, हो गया। फिर लेफ्ट लेने के बाद आपको फिर से सीधा जाना है, एकदम सीधा जाना है। पूरा रोड है, सब सब रोड है, एकदम मक्खन सा रोड है। यहाँ आके यहाँ भी आपको लेफ्ट लेना है, लेफ्ट लेने के बाद यहाँ आ गया आप, यहाँ भी आपको लेफ्ट ही लेना है, फिर से आपको यहाँ लेफ्ट लेना है, फिर यहाँ आ जाओगे, फिर यहाँ आके आपका एक चक्कर कंप्लीट। तो अब पहले चक्कर पे जब जाओगे तब तो टोकन नहीं मिलेगा, ऐसे आप जाओगे स्टार्ट हो गया, फिर ऐसे ऐसे घूम के आने के बाद यहाँ जब आओगे तब आपका एक चक्कर कंप्लीट, यानी आपको एक टोकन मिलेगा तब। तो अब एक टोकन मिला, फिर से आप जाओगे ऐसे ऐसे ऐसे, फिर से जाओ, फिर से जाने के बाद फिर से आपको और एक टोकन मिला, दो टोकन हो गया आपका, दो चक्कर कंप्लीट। फिर से आप ऐसे गए, फिर से जाने के बाद आपको फिर से ऐसे वापस घूम के आ गए, फिर से आपका यहाँ मतलब और एक चक्कर हो गया, तो आपको और एक टोकन मिला,
यहाँ बहुत सारे भी ऐसे रहेंगे जो आपको टोकन देते रहेगा, तो टोकन के बारे में कोई दिक्कत नहीं हो। कागज़ का तरफ कुछ बना है, उसमें लेमिनेशन करा है, छोटा सा पर्ची बना कर उसमें लेमिनेशन करा हुआ है, तो वो आपको कोई टोकन के बारे में कुछ दिक्कत नहीं है तो दे देगा। फिर 3 चक्कर हो गया, फिर से आप जाओगे, फिर से ऐसे रुक रुक के घूम के आओगे, फिर यहाँ और एक टोकन लेंगे, चार चार टो तीन टोकन चार टोकन हो गया आपका 4 टोकन कंप्लीट, फिर से आपको जाना है, फिर ऐसे जाकर ऐसे टोकन लेकर फिर से जाना है, फिर जाने के बाद यहाँ से घूम के आने के बाद घूमे ऐसे ऐसे आके यहाँ पर आपको रनिंग ख़त्म कर देनी है। तो आपका रनिंग ख़त्म हो गया, आपका 4 टोकन हो गया, रनिंग ख़त्म हो गया, फिर अब मतलब यहाँ से स्टार्टिंग हो गया, यहाँ पर एक रोड है, तो इस रोड पर आपको यहाँ पर बैठा दिया जाएगा, रनिंग एंड बैठा कर जितने भी फोटो वोटो है सब खींच कर फिट वाले एरिया पे आपको बैठा दिया जाएगा, जो भी अनफिट होगा वहाँ उसको यहाँ पर बैठा दिया जाएगा, अनफिट पर रेस अनफिट पर बैठा दिया जाएगा। फिर कुछ समय बाद आपको बुलाएगा चेस्ट के लिए, रिक्रूटमेंट रूम पर आप जाके चेस्ट हाइड्रोट चेस्ट नाप कर फिर आके बैठ जाओगे, और कुछ समय बाद फिर से आपको मतलब जो भी है सर का इंस्ट्रक्शन वो देकर छोड़ दिया जाएगा। तो मैं जो मतलब मैप आपको जो शॉर्ट में जो मैंने मैप आपको बताया है यही मैप है, तो मतलब आप देख लो पूरा मैप को, जो भी मतलब मैंने आज एक्स्ट्रा कुछ कुछ ऐड नहीं किया हूँ, जितना भी हो सका मैंने सिंपल पर आपको मैप को तैयार किया हो। तो आज मालदा का जो है मैं वो मैप दिखाता हूँ आपको, देखो कहाँ पर रनिंग हो रहा है मालदा बी एस एफ कैंप पर, तो आप भी देख पाओगे, अगर आप घर पे देखोगे तो आप भी देख पाओगे कैसे आपको देखना है। तो पहले क्रोम ब्राउज़र पर आना है, देखो मालदा बी एस एफ कैंप पर जो रनिंग हो रहा है वो कहाँ पर हो रहा है, कौन सी ट्रैक पर हो रहा है, सब कुछ देख लो कैसे हो, एकदम कोई भी आप आ जाओ, आप आ जाओ गूगल पे, आने के बाद आपको सर्च करना है गूगल अर्थ, गूगल अर्थ अर्थ आपको सर्च करने के बाद जो पहला वाला वेबसाइट मिलेगा इस पे जाना है, पहले वाले वेबसाइट पे जाना है, फिर ऐसा इंटरफेस आ जाएगा, देखो मेरा अभी लोडिंग ले रहा है, तो लोडिंग लेने के बाद भाई ऐसा आएगा एकदम, देख लो एकदम ऐसा हमारा अर्थ जो है ऐसा है। तो यहाँ आपको सर्च में ऑप्शन पे आपको सर्च करना है, क्या सर्च करना है, देखो मैंने कर रखा है 115 BN BSF वैष्णव नगर रोड BSF कैंप ऐसे मालदा, ऐसे करके आपको सर्च कर देना है। देखो ऐसे सर्च करने के बाद क्या आता है, एकदम इंडिया वे वेस्ट बंगाल के अंदर ये जो है ले आप एकदम ले आया कैंप पर। तो देखो भाई अब मैं दिखाता हूँ आपको कहाँ पर क्या हुआ था, जो रनिंग है कहाँ पर क्या हो रहा है, ये पूरा एकदम पूरा जो इलाका है पूरा BSF कैंप है। तो देखो मैं गूगल अर्थ से आपको जूम करके भी दिखा दूँगी सब कुछ, देखो तो पहले मैं इसे घुमा लेता हूँ थोड़ा सा, मेरे हिसाब से भाई मैं अब सही मतलब बना लिया हूँ। तो देखो भाई मैंने जो मतलब जो आपको जो ये दिया हो मैंने जो आपको मैप बताया है उसके अकॉर्डिंग आप देख लो, मैप के अकॉर्डिंग पूरा एकदम सेम टू सेम है भाई, ये पूरा हाईवे है, एक हाईवे दूसरा, एक जाने का एक आने का। तो यहाँ पर एक गेट है, गेट में क्या होगा इस साइड एक मतलब बैरिकेड लगे लाइन लगेगा, इस साइड एक लाइन लगेगा, दोनों साइड लाइन लगेगा जैसे मैंने पहले भी बताया है आपको, और यहाँ जितना भी है आपको सामान सब कुछ यहाँ आपको मतलब चेकिंग करेगा कि क्या आप ले जा रहे हो, सब कुछ चेकिंग करेगा, करने के बाद यहाँ से आपको अंदर ले जाया जाएगा। देखो यहाँ से सीधा अंदर अंदर गए आप एकदम सीधा अंदर अंदर जाके यहाँ से बास्केट ग्राउंड, ये देखो भाई एकदम आप देख भी पा रहे होंगे शायद बास्केट ग्राउंड इतना क्लियर नहीं आ रहा है,
ये बास्केट ग्राउंड है, तो बास्केट ग्राउंड पे आपको जितने भी बैग जितने भी सामान है सब यहाँ रखवाएगा। यहाँ रखने के बाद यहाँ आपका मतलब एक हाइट बार लगा रहेगा, हाइट बार में आपका हाइट नाप कर यहाँ से यहाँ पर आपको चेस्ट नंबर दिया जाएगा। चेस्ट नंबर देने के बाद यहाँ से आपको घर के अंदर, तो घर के अंदर ये जो है ना रिक्रूटमेंट रूम है, मैंने बताया है आपको, अब देखना है रिक्रूटमेंट रूम है ये। और जो है मतलब ये अंदर का जितने भी प्रोसेस है करने के बाद कैंडिडेट को ये मतलब 80 का ग्रुप बनाकर यहाँ बैठा दिया जाएगा, एकदम इस जगह पर 80 का ग्रुप बनाकर बैठा दिया जाएगा, बैठा दिया गया। और फिर रनिंग कहाँ से स्टार्ट होगा, देखो भाई रनिंग स्टार्ट होगा यहाँ से, एकदम यहाँ से रनिंग स्टार्ट होगा। रनिंग इस साइड एक रोड है एकदम, मतलब मैंने आपको जो मैप में भी बताया था, एक साइड एक रोड है तो वही रोड ये वाला है, इसमें रनिंग नहीं होगा, रनिंग किस होगा देख लो भाई, यहाँ से आपका रनिंग स्टार्ट होगा। मैं थोड़ा और जूम आउट कर लेता हूँ, देखो यहाँ से रनिंग स्टार्ट होगा, फिर ऐसे जाना है आपको। ऐसे जाने के बाद यहाँ एक देखो, यहाँ एक रोड इस साइड से आया, फिर यहाँ रोड, फिर आपको यहाँ से मतलब यहाँ से जाना है, देखो कहाँ से यहाँ से फिर यहाँ से ऐसे जाना है। ऐसे जाने के बाद ऐसे 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 जाओ, फिर देखो कहाँ पर, फिर यहाँ और एक मतलब टर्न है, यहाँ आपको टर्न लेना है, फिर ऐसे टर्न लेके ऐसे आ जाना है, फिर देखो कहाँ, फिर भाई ऐसे फिर आ जाना है, एकदम आने के बाद ऐसे हो गया, आ गया आप देखो भाई पूरा। और एक बार जूम कर देते हैं, रोड रोड ऐसे, फिर ऐसे इस साइड आपको टर्न लेना है, टर्न लेने के बाद इधर आपको एकदम ऐसे जाना है, पूरा रोड का एकदम रोड है, फिर यहाँ से आपको टर्न लेकर जो है आपको यहाँ पे आ जाना है, फिर से देखो जहाँ पर स्टार्ट हुआ था वहीं पर ही आ जाना है। तो यहाँ आपका हो गया पूरा 1 किमी, पूरा 1 किमी। और भाई सब लोग कहते हैं ना कि ग्राउंड बड़ा है या छोटा है, ग्राउंड 200 मीटर ज़्यादा है, कुछ नहीं है। देखो भाई मैं यहाँ और सिस्टम है, यहाँ आप नाप भी सकते हो मतलब कितना ग्राउंड है। तो देखो भाई मैं नापता हूँ, कैसे नापूंगे, यहाँ क्लिक करके आ गया मीटर स्क्वायर, देखो भाई यहाँ से रनिंग स्टार्ट हो रहा है, तो रनिंग में मैं क्लिक किया, फिर देखो क्या हो रहा है। और मैं थोड़ा यहाँ कर लेता हूँ, यहाँ से जो है आपको टर्न लेना है, टर्न लेना है ना, यहाँ से नहीं भाई सामने से, सामने सॉरी, अब यहाँ से आपको टर्न लेना है, तो टर्न लेना है, फिर यहाँ से सीधा जाना है, एकदम सीधा, फिर यहाँ से आपको यहाँ ऐसे जाना है, देखो भाई रोड देखो यहाँ पर, फिर यहाँ से आपको कहाँ जाना है, इस साइड जाना है, इस साइड जाना है, फिर यहाँ से यहाँ तक, फिर हो गया। देखो भाई पूरा 1000, पूरा पूरा भाई एकदम एक किमी भाई, 1 किमी भाई रहते, मतलब मैंने गूगल मैप पे अगर मापा है, थोड़ा इधर उधर भी हो सकता है, एकदम एक्यूरेसी लेकिन ज़्यादा नहीं है, ये छोटा होगा तो बड़ा नहीं होगा भाई, 1 किमी एकदम 1 किमी का ही ग्राउंड है, जितना भी है पूरा 1 किमी का ग्राउंड है। तो इस पर आपको रनिंग करना है, ये बड़ा सा प्ले ग्राउंड है लेकिन इस पर रनिंग नहीं करवा रहा है, रोड पर बाहर इधर इधर ऐसे रनिंग करवा रहा है। तो ये हो गया रनिंग का बात, हो गया भाई। और आपको देखो और मैं बता देता हूँ, ऐसे हो गया रनिंग का ग्राउंड, तो यहाँ आपको जो है यहाँ से और सारे सारे यहाँ खड़े रहेंगे, तो पहले आपको रनिंग छोड़ दिया जाएगा, यहाँ से रनिंग स्टार्ट करके आपको एकदम ऐसे जाना है, इधर इधर सब कुछ करना है, इधर सब कुछ करके फिर यहाँ जब आ जाओगे एक चक्कर लगा के, तब आपको यहाँ एक टोकन मिलेगा, बहुत सारे सर रहेगा एक टोकन देगा, ऐसे आप 5 चक्कर लगा लोगे, फिर आपको यहाँ पर चार टोकन रहेगा, हो गया। जिसके बाद जितने रन क्वालिफाई कर लिए उसको सारे इधर बैठा दिया जाएगा, इस जगह पर यहाँ रोड पर बैठा दिया जाएगा, हो गया। और जो अनफिट है उसको इस पेड़ के नीचे बैठा दिया जाएगा, एकदम यहाँ भाई बैठा दिया गया, फिर जो भी मतलब फोटो वोटो जितना क्लिक करना था सब कर लिया जाएगा इधर, फिर आपको ले जाकर यहाँ बैठा दिया जाएगा, बैठाया गया। आप यहाँ जो मैंने बताया था ना, ये जो है आपका एक मतलब पार्क यहीं पर ही है, ये छोटा सा पार्क यहीं पर ही है, तो यहाँ आपका जो है बैच, तीनों बैच का अलग अलग जगह बिठाया जाएगा। और फिर कुछ समय बाद आपको हाइट वेट और चेस्ट, फाइनल हाइट वेट चेस्ट के लिए बुलाया जाएगा इस रिक्रूटमेंट रूम पर, तो जितने भी सारे कैंडिडेट हैं सबको बुलाया जाएगा, और फिर से ले जाकर हाइट वेट चेस्ट नाप कर फिर से आपको यहाँ बैठा दिया जाएगा, फिर सबका हो गया जो भी कैंडिडेट फिट है सबको,
मतलब यहाँ यहाँ सब तीनों कैंडिडेट जितने भी फीट है सबको रिक्रूटमेंट रूम पे फिर से ले आया जाएगा। फिर आपको कमांडेंट आपका मतलब जितने भी मतलब कुछ इंस्ट्रक्शन देगा कि क्या करना है और पढ़ना है, घर जाके जो भी करना है सब कुछ बताएगा, फिर आपको छोड़ दिया जाएगा घर के लिए। तो देखो भाई मैंने सब कुछ बता दिया आपको गूगल मैप के द्वारा। तो तो वीडियो यहीं तक था। अगर वीडियो आपको अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करना, और इसी तरह के वीडियो इस चैनल में मिलती रहेगी। रैली के अपडेट्स और रैली का ग्राउंड कौन सा क्या है सब कुछ।